सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा केचुआ खाद क्या है। केचुआ द्वारा जो जो भी जैविक पदार्थ है वो अपने पाचन तंत्र में खाते हैं, पाचन तंत्र से गुजर के जो मल स्वरूप में निकालता है उसको हम केचुआ खाद कहते हैं। तो केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि केचुआ। तो हम जो केचुआ यूज़ करते हैं केचुआ खाद के लिए, वो जो लोकली पाया जाता है वो ना हो के एक अलग किस्म की प्रजाति होती है, जैसे इसिनिया फोटीरिया और यूडेलस यूजिनिया। ये जो केचुए हैं वो ज़्यादा खाते हैं और इससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है या केचुआ खाद बनता है वो ज़्यादा पोषक होता है और जल्दी बनता है। तो सबसे हम चलते हैं कि केचुआ खाद कैसे बनाते हैं। केचुआ खाद हम कहीं पे भी बना सकते हैं, जैसे कि आप एक मटके में बना सकते हैं, कोई रिंग में बना सकता है, बाल्टी में भी बना सकते हैं, आपकी घर के पास थोड़ी सी जगह होगी उसमें बना सकते हैं, या फिर एक सीमेंटेड फ्लोर या सीमेंटेड पिट में भी बना सकते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सीमेंटेड या फिर आपके जहाँ पे भी जगह होगी घर के पास छायादार जगह, तो 30 फीट लंबी और ढाई उसमें 2.5 फीट गहरी या फिर 3 साढ़े 3 फीट चौड़ाई की जगह चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर जगह को आप है ना नीचे में पॉलीथीन बिछा दीजिए, पॉलीथीन के ऊपर 15 सेंटीमीटर मिट्टी का एक लेयर डाल दीजिएगा। उस मिट्टी के लेयर पे आप पुआल या सूखा जो भी कचरा होगा, सूखी पत्तियाँ, इसका एक 2.5 इंच का एक लेयर बनाइए। उसके बाद आपका जो भी आधा सड़ा हुआ जो भी आधा सड़ा हुआ जो भी विशिष्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है, उसका एक लेयर बना के गोबर खाद का 2.5 इंच का एक लेयर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा पानी छिड़किएगा और उसमें फिर 50 से 75 केचुए उसमें डाल दीजिएगा। ऐसे ही आप लेयर बाय लेयर, जैसे कि आधा सड़ा हुआ जो भी कंपोस्ट है वो डालते हुए और गोबर खाद का अल्टरनेट लेयर करते हुए उसकी ऊंचाई आप 2.5 से 3 फीट ऊंचाई बना लीजिएगा। फिर उसको आप है ना पॉल से और जूट बैग से ढक के पानी छिड़क के उसका नमी जो है 70% बनाए रखिएगा और उसको ढक दीजिएगा। हर सप्ताह में एक बार उसको हिलाइए, मतलब पलटाइएगा, और उसका जो है हमें देखना है कि उसकी नमी हमेशा 70% बनाए रखे, क्योंकि केचुआ को नमी की बहुत ज़रूरत है। अगर पानी कम हो जाएगा तो केचुआ मर सकता है। इसी तरह आप मटके में भी बना सकते हैं। मटके में भी आपको एक तो नीचे से सुराख देना होगा और फिर अल्टरनेट लिया, जैसे थोड़ा सा मिट्टी डालिएगा, आपका आधा जो भी सड़ा है, जो लियर जो प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ वो मटके में होगी या रिंग में होगी, प्रोसेस सेम है। आप उसको छोटी जगह में और केचुआ, जैसे मटके के लिए आपको 100 से 200 केचुए डाल देंगे तो आपका वर्मी कंपोस्ट मटके में तैयार हो जाएगा। और जो भी वर्मी कंपोस्ट का जो रेशो होता है पर स्क्वायर मीटर 2000, आप 2000 केचुए पर स्क्वायर मीटर आपको इस हिसाब से डालना है। अगर केचुए की मात्रा कम होगी तो वर्मी कंपोस्ट बनने में समय ज़्यादा लगेगा और उसका जो पोषक तत्व होंगे वो थोड़े से कम होंगे। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में केचुआ और गोबर खाद डालना है। जितना गोबर खाद डालेंगे उतना ही उसका पोषक जो तत्व है वो और बढ़ती जाएगा। केचुआ खाद का जो तैयार होता है वो 60 से 75 दिन में तैयार होता है। सर्दी के मौसम में उसको 3 महीने लगते हैं, बट गर्मी और बरसात में वो 60 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। और जैसे ही तैयार होता है तो आप देखेंगे कि वो जैसे जो चाय पत्ती जैसे दिखने लगता है, दानेदार हो जाता है, काला रंग का हो जाता है, भुरभुरा होता है, तो आप समझ लीजिएगा कि केचुआ खाद तैयार है। तो आप केचुआ खाद जब तैयार होता है उसका जो है पानी की जो डालना होता है उसका थोड़ा नमी कम कर दीजिएगा, और अगर केचुए निकालने हैं होंगे उसको 2 mm सीव से आप छान के केचुआ और उसका ककुन निकाल सकते हैं, या फिर कच्चा गोबर का गोले बनाकर अगर आप पिट में रखेंगे तो जितने भी केचुए हैं जिंदा वो उस गोबर के गोले में आके आप उसको दूसरे पिट में यूज कर सकते हैं। और जब उसको जब तैयार होता है उसको छाया में रखिएगा और फिर बाद में उसका 20 से 25% नमी में ही उसको पैक करना होता है।